हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल दबाएं। वेलकम शाहिना का किचन में, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल इजी वे में एक नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ, कलेजी। और ये कलेजी खटाखट नाम है इसका। ये हमारा आधा केजी कलेजी है, इसको हमने काट करके इसको रख दिया है, धो करके काट दिया है। ये हमारा प्याज है, ये टोटल गरम मसाला है, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सेहत जीरा, सौंफ, ये बादियान, और ये आपको जावित्री, और ये लौंग, और ये तेजपत्ता। यह हमारा तेल गरम हो चुका। अब मैं इसमें ये टोटल गरम मसाला डाल रहे हैं और ये प्याज। प्याज आप जिस तरीके से चाहें काट सकती हैं, अपना अपना पसंद है, लेकिन मैं चॉप करके काटती हूँ, इससे जल्दी से ये हो जाता है। ये हमारी प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना काली हो जाती है कलेजी। कलेजी हो या गोश्त, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ, हल्का ही रहने देते हैं। ये हमारा हो चुका, थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। इसके बाद फिर इसको कलेजी डालेंगे। कलेजी डाल के इसका सारे मसाले इसमें डालेंगे। अब ये कलेजी थोड़ा पानी सूखता है तो इसमें सब मसाला डालेंगे। ये हमारा थोड़ा सा भी पानी और कमेगा तो इसमें अब मैं मसाले दूंगी। एक एक मसाला देते जाएंगे अभी इसमें। पहले ये लहसुन, लहसुन और अदरक जो हमने पीस के रखा है। अब इसको लहसुन दिए हैं। आप इसको चाहें तो, असल ये कलेजी तावे पर बनाई जाती है और उसी में भुनी जाती है, पूरा चूर किया जाता है, इसलिए इस कलेजी का नाम खटाखट कलेजी है। बहुत भुनना भुनना पड़ता है, पूरा भून करके पूरा बुरादा कर दिया जाता है, भुनते 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 भुनते। मैं एक दो तीन, समझिए कि तीन चम्मच ही दिए, बहुत छोटी चम्मच है। ये हल्दी पाउडर, तीखा मिर्च, कश्मीरी मिर्च, मैं देखा मसाला, ये जीरा पाउडर, ये गोल मिर्च पाउडर, गरम मसाला अभी नहीं देंगे, वो बाद में देंगे। अब मैं इसमें सीटी लगाएंगे भून करके। इसमें पानी नहीं दिया है, उसमें सीटी लगा देंगे। सीटी आएगा दो तीन मिनट तक। सीटी आने के बाद इसको बंद कर देंगे। मैं गैस को बंद ऑफ कर रही हूँ। देखिए एक बूंद भी हमने पानी नहीं दिया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको खट 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 करके या तो तावे पर उलट दीजिए। तावे पर बतावे का चीज ही तावा में बनता है। इसको एकदम बुरादा मरते 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 इसको भूनते रहना भूनते रहना भूनते रहना भूनते जाना, ऐसा ही करते रहना बस उस वक्त तक जब तक कि ये पूरा बुकरंजन नहीं हो जाए। देखिए इसलिए नाम इसका खटाखट, यही आवाज हो रही है। सब लोग पूछ रहे हैं क्या वह अपने ठोक रहे हैं, ठोक नहीं रहे हैं, कलेजी भून रहे हैं, कलेजी कलेजी बना रहे हैं, इसीलिए इसकी आवाज ऐसी हो रही है। आज बेचारे का बदन हाथ जो दर्द कर रहा था ना, वो सब इसका दर्द इसका ठीक हो जाएगा। बहुत ठंडा में इसको ठंडा लगा है, बहुत कस करके, इसलिए पूरा बढ़िया से इसको तेल लगाया जा रहा है। अब इसमें मैं धनिया पत्ती दे रही हूँ। अब ये होने पर ही आ चुका है, देखिए बहुत अच्छे से भुना गया है। बहुत हाथ तो एकदम इसका तो बदन सही में आराम इसको मिल गया, इतना पिटा पिटान पिटाया है,
लेकिन हमारे हाथ का कछू मर निकल गया, खूब हाथ दुख रहा है। करना क्या, बनाना तो है ना कि नहीं बना। देखिए कितना अच्छा सही है, भुरता हो गया एकदम से, चलाते चलाते ही भुन जा, कलेजी है ना, कलेजी फौरन गल ही जाती है, इसमें टेंशन नहीं है, ये कलेजी नहीं घुलेगी, गलती है। लेकिन अगर तावा रहता तो ज़्यादा बेहतर होता, थोड़ा सा गहरा तावा रहता है, ऐसे ऊँचा हुआ बड़ा सा, तो फैल करके उसमें छिपा करके बनता। अब इसको चपाती से, नान से या पूरी से, जिस चीज़ से मन चाहता है, पराठे से, आप इसको खाइए, इंजॉय कीजिए, खाइए। अब मैं इसको अभी और थोड़ा सा भुनाएगा, अभी रोगन नहीं छोड़ा है, रोगन छोड़ेगा तब यह तैयार हो गया। यह हमारा खटाखट के लिए जी तैयार हो गई, इतनी अच्छी खुशबू महक रही है, गरम मसाला सबका, कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। ये हमारी कलेजी खटाखट ये तैयार हो गई। ये दालचीनी है, निकाल रहे हैं, सब मुँह में मसाले सब पड़ते हैं तो अच्छा ना लगता है। अब मैं सजावट के लिए ये टमाटर लगा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये टमाटर हमने लगाया, ये थोड़ा सा धनिया की पत्ती दिया, और ये हरी मिर्च थोड़ा सा सजा दिए, रोगन भी चारों तरफ से आ गया है। ये थोड़ा सा ये हमने अदरक दिया, वैसे मैं तो अदरक नहीं खाती हूँ, लेकिन कोई कोई डिश में दिया जाता है तो देना पड़ जाता है। अब ये नींबू काट करके नींबू भी देंगे इसमें, कलेजी में नींबू पड़ता है इसमें, इस कलेजी में एक आधी देंगे, एक आधी सजावट में रखेंगे, एक आधी देंगे। यह हमारा खटाखट कलेजी ये तैयार हो चुका है। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।